गुड मॉर्निंग गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे होंडा एलिवेट नॉर्मल वर्क अराउंड। सो जैसे मेरी कार आप देखते हैं खड़ी है, मैं ऑफिस से आ रहा था तो अगर आपके पॉकेट में की है तो आप कीलेस एंट्री कर सकते हैं। बस हाथ आपको ऐसे डालना है कार में उधर डोर के पास और कार ओपन हो जाती है। ये दोनों साइड पर है, ड्राइवर साइड एंड पैसेंजर साइड। फिर आप कार में एंट्री करने के बाद जैसे ही आप एंटर करते हैं लाइट्स ऑन हो जाती हैं अगर आपने डोर मोड पर रखा है। उसके बाद आप कीलेस एंट्री स्टार्ट स्टॉप बटन प्रेस करिए तो एक एनिमेशन आता है, आप देख सकते हैं, जो कि इधर पे जो भी आपका स्क्रीन है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, दोनों पे आता है और आपकी कार ऑन हो जाती है, हेडलाइट्स ऑन हो जाती हैं। फिर उसके बाद आप गियर शिफ्ट करके ड्राइव या रिवर्स पे जा सकते हैं। तो जब रिवर्स पे हम जाते हैं तो कैमरा ऑन हो जाता है बैक साइड का, और इसमें तीन मोड दिए हुए हैं तो आप ना चेंज कर सकते हैं थ्री व्यू एंगल अकॉर्डिंग टू योर ड्राइविंग नीड। सो एक थोड़ा वाइड एरिया कवर करता है जनरली, तो जनरली वाइड एरिया वाला ही मैं यूज करता हूँ और आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन। सो ये नया डैश कैम मैंने परचेज किया है तो आप देख सकते हैं इसमें क्वालिटी कैसी है। तो एक पार्किंग के ऊपर भी मैं एक छोटी सी वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ कि अब जैसे ये बहुत ही टाइट पार्किंग है आप देखिए, तो इसमें कैसे गाड़ी निकालना है, जस्ट स्मॉल छोटा सा चीज। तो जब भी आप ऐसी जगह पे टाइट जगह पे गाड़ी या स्लोप पे निकालते हैं तो आपको अपनी गाड़ी जो है राइट साइड में ही आपको ज़्यादा कट करके रखनी है, क्योंकि राइट साइड का व्यू आपको अच्छा रहता है, पता रहता है गाड़ी कहाँ जा रही कैसे जा रही, तो आप उधर मैनेज कर सकते हो। लेफ्ट साइड में लास्ट में एकदम कट करनी है ताकि पीछे से टच हो जाएगी, नहीं तो डिटेल में बताएंगे। सो गाइस यही था छोटा सा वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और भी कुछ वीडियोज़ आते रहेंगे छोटे मोटे एलिवेट के बारे में। या दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।